नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर में एक इंजीनियर और राजमिस्त्री कार्यस्थल से ही गायब हो गए हैं। बीते 10 फरवरी से वे घर नहीं लौटे हैं। जिले के नक्सल प्रभावित इलाके बेदरे में एक पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, उसके निरीक्षण के लिए गए इंजीनियर अशोक पवार और काम कर रहे राजमिस्त्री वापस अब तक नहीं लौटे हैं। आशंका जताई जा रही है कि ग्रामीणों के भेष में आए नक्सलियों ने उनका अपहरण कर लिया है। इंजीनियर पति की तलाश में उनकी पत्नी सोनल पवार अपने छोटे से बच्चे के साथ जंगलों भटक रही है। जंगलों में अपने पति की तलाश कर रही है सोनल ने नक्सलियों सहित आदिवासी नेता सोनी सोरी से अपील की है कि वे माओवादियों के कब्जे से उनके पति को छुड़वा दें। दरअसल कुछ दिनों से बीजापुर में नक्सलियों का तांडव एक बार फिर उठ रहा है। बीते शुक्रवार को बीजापुर देश दुनिया की निगाहों में उस वक्त सामने आ गया जब जिले के बेदरे में इंद्रवती नदी में एक पुलिया का निर्माण किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि आजादी के बाद ये पहली बार है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।